हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे किसी भी दुकानदार, सप्लायर या कंपनी के लिए कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने किसी से सामान खरीदा है, उस सामान की आपसे ज्यादा कीमत ली है या फिर उस सामान में कोई खोट है या आपको लगता है कि दुकानदार ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, तो आप सिंपली इन चार तरीकों से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो भी तरीका सबसे इजी लगता है या आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं, आप उस तरीके के द्वारा उस दुकानदार की कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौरान देश में सभी जगह पे लॉकडाउन चल रहा है और हो सकता है कि इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस दौरान आपको अपने आसपास की दुकानों से ही सामान खरीदना पड़ता है। और जिस चीज का दुकानदार काफी फायदा उठाते हैं, सभी दुकानदार नहीं लेकिन कुछ दुकानदार जो है आपसे ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। 10 रुपए की चीज है तो वो आपको 12 में या 15 में, और कुछ दुकानदार को आपके 20 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको जो सामान है आपको वहीं से खरीदना है और आप कहीं दूर नहीं जा सकते। तो इस दौरान केंद्रीय सरकार ने सभी स्टेट के अलग अलग नंबर जारी किए हैं जिस पर आप कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये जो नंबर जारी किए गए हैं, इन नंबरों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में ही करें। और ये सारे नंबर स्टेट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपकी स्टेट में आपके आसपास कोई दुकानदार है जो आपसे ज्यादा कीमत वसूल रहा है, तो आप अपने स्टेट का नंबर वहां से देखिए और उस नंबर पर कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए। याद रहे, ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए ही है। और जो इस वीडियो में मैं आपको चार तरीके बता रही हूँ, ये चार तरीके भी आप लॉकडाउन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन चार तरीकों को आप लॉकडाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आप किन कारणों की वजह से आपको जो है कंप्लेन रजिस्टर करवानी चाहिए। आप कंप्लेन रजिस्टर दुकानदार, सप्लायर या कंपनी किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं जहां से भी आपने सामान खरीदा है और जहां के भी आप ग्राहक हैं। तो दोस्तों, मेनली तीन कारण होते हैं जिनकी वजह से आप किसी दुकानदार, सप्लायर या कंपनी पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। पहला, या तो कंपनी ने आपसे जो सामान था उसकी ज्यादा कीमत ली है, दूसरा आपको खराब सामान दिया है, या तीसरा आपको किसी भी तरीके से लगा है कि कंपनी आपको लूट रही है, आपको खराब माल दिया है, या फिर आपके लिए सामान की जो मात्रा है वो ठीक नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो वहां पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों पक्षों को सुना जाता है। वहां पर आपको प्रूफ की जरूरत पड़ती है कि आपने इसी दुकानदार, सप्लायर या कंपनी से जो है सामान खरीदा है। इसीलिए आपको जहां भी आपसे सामान खरीदते हो वहां की रसीद को संभाल कर रखें। अगर आपने वहां पर कंप्लेंट की है तो वो रसीद जो है आपके लिए बहुत काम की होती है। जब भी आप कंप्लेंट करते हो और उसके बाद वहां पर आपकी सुनवाई होती है, वहां पर आपको प्रूफ के तौर पर वो रसीद दिखानी होती है कि आपने उसी से ये सामान खरीदा है और उसमें ये कमी थी और इस वजह से आपने जो है कंप्लेंट की है। और अगर आपके पास रसीद नहीं है, आपके आसपास जो छोटे दुकानदार हैं जो रसीद नहीं देते हैं या कुछ जगह पर है जहां पर रसीद देते ही नहीं है, तो उस केस में आप अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए और वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और ताकि सबको पता चले कि हाँ आपने वहां से सामान खरीदा था, और उसे एज ए प्रूफ जो है वहां पर दिखाइए। अगर आप बिना प्रूफ के जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं तो वहां पर आपकी जो है कंप्लेंट पहले तो रजिस्टर की जाएगी, लेकिन बाद में वो जो कंप्लेंट है वो खारिज कर दी जाएगी और उस कंपनी या फिर दुकानदार पर कोई भी केस नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको पहला वो तरीका बताती हूँ जिसके द्वारा आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप दिए गए नंबर पर SMS कीजिए और वहां से फिर आपको बैक कॉल आएगी और वहां पर आपको डिटेल देनी पड़ेगी और आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप दिए गए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कीजिए और वहां पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप दी गई वेबसाइट पर जाइए और वहां पर ऑनलाइन आप खुद अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर दीजिए। दोस्तों, जो चौथा तरीका है वो है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर का। ये जो नंबर है 100 और 112 ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप दुकान पर हो या फिर सप्लायर के पास हो या कंपनी में हो और आपकी अनबन हो गई है, नोकझोंक हो गई है और मामला थोड़ा गर्म हो गया है और आप घर पर आकर वेट नहीं कर सकते कि घर पर जाओगे और आप ऑनलाइन कंप्लेंट करोगे, तो उस सिचुएशन में आपको
100 या 112 नंबर पर कॉल करनी चाहिए और वहां पर आपको कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो चार तरीके जिनके जरिए आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आप इन तरीकों को लॉकडाउन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉकडाउन के बाद भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे, लॉकडाउन के दौरान जो नंबर सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन नंबरों को देख सकते हैं और लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।